हेलो हेलो सर, हाँ जी बोलिए। नमस्ते गुड आफ्टरनून। मैं आईसीआईसी बैंक से बात कर रही हूँ मैडम, नमस्ते। कैसे सर। हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप आप कैसे हो सर? बस बढ़िया। घर परिवार में सब ठीक है? हाँ जी सर। और सर पापा मम्मी सब ठीक? हेलो। सब ठीक है, सब और अड़ोसी पड़ोसी, भाई ठीक है सर। भाई दोस्त भी सब? क्योंकि देखो पूछना जरूरी ना, आजकल बीमारियां इतनी चल रही है, पता हाँ नहीं जी, कब हाँ जी सर, कब कब बिल्कुल किसके साथ श्योर क्या सर। ट्रेंड आपकी थी। फैमिली में सब ठीक है मेरी तो फैमिली में जी कोई है ही नहीं मेरे सिवाय। हाँ सर? मैं वाइफ तो होगी, जी, वाइफ तो होगी सर आपकी वाइफ मेरी नहीं, पड़ोसी की है जी। सर। ऐसे कैसे? आप जला रही है मैडम। मैं 48 साल का हो गया, अभी तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं वाइफ नहीं तो सर, होगी। मैं नहीं आप मेरे को मानूंगी। जला रही हो ना। देखो ये अच्छी बात थोड़ी, आपको नहीं या तो मेरे सर, दोस्त ने किसी ने नंबर दिया है छेड़ने के लिए। वो मेरे को नहीं फोन नहीं करके सर, पूछता है मैं तेरी वाइफ कब आएगी, तेरी वाइफ कब आएगी। और आप भी कह रहे हैं आपकी वाइफ तो होगी सर। नहीं सर, मैं क्यों आपको जेलस करूंगी तो सर? आप ये बात ऐसी मैडम बात प्लीज मत नहीं बोलना कि आपकी वाइफ तो होगी। या तो मेरे को वाइफ दिलवा दो या ये बात बोलो मत। सर। आपको कोई बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है? मैंने तो सर इसी के मैडम लिए। बिजनेस किसके लिए करूँ, ना बीवी ना बच्चे। हेलो सर, अब मतलब बताओ आपका मैडम, रिक्वायरमेंट नहीं है? अकेला आदमी, रात को एक बोतल दारू की चाहिए होती है, वो यार दोस्त ले आते हैं, तो मेरा खर्चा तो कुछ है ही नहीं। अब जब तक परिवार ही नहीं बढ़ेगा मैं, पता तभी तो मैं बिजनेस लोन लूंगा, बिजनेस करूंगा, धंधा कोई बात करूंगा। नहीं सर, मिल जाएगी कोई। मैडम मिल जाएगी, सारे यही कहते हैं, आज तक किसी ने दिलवाई नहीं। मैडम मैं पढ़ा लिखा, हाँ अगर आपका कोई जानकार हो, कोई रिश्ता, मेरे को मेरी एज, मैं अपना बायोडाटा पोर्टफोलियो आपको भेज देता हूँ। सर मेरे को यकीन नहीं है कि आपकी आप एज क्या है मैरिड मैडम? नहीं हो। आपकी आप, बात करने से ऐसा लग रहा है आप मैरिड हो अरे मैडम और कैसी आपके बात कर रहे बच्चे भी हो, होंगे कोई, मेरे जैसे। अरे कैसी बात कर रहे हो मैडम, आपकी शादी हो गई? सर नहीं, मैं 20+ हूँ। तो मैडम देखो अब 20+ हो, मेरी एज 48 है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी कर लो, मगर मेरे को तो कोई और आपके जानकारी में कोई होगा ना, तो आप बेशक मेरे को मेरा फोन नंबर दे देना, मेरे को एज की कोई आपत्ति नहीं है। देखो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी बहुत छोड़ गए हैं, ठीक है ना। तो बस ये है कि एक कोई अच्छी सी अर्धांगिनी जो जीवन मेरे साथ निकाल सके अच्छा सा, उसके बाद मैं आपसे लोन भी ले लूंगा, बिजनेस भी चालू कर लूंगा, काम धंधा भी सेट कर लूंगा। सर मगर आपका देखो नाम? अगर उनको हेल्प कर सकते हैं जी। सर आपका नाम मेरा नाम नितिन सोनी। नितिन सोनी। हाँ जी ओके मैडम। सर, ओके सर, थैंक यू। मैडम देखो ना, फिर आपने पल्ला झाड़ लिया, सारे तो पल्ला झाड़ दे। चलो सर कोई ऐसे बात ज्यादा नहीं है, नहीं, मेरी नजर में होगी तो जरूर बताऊंगी। मैं भेजू फिर फोटो आपके पर्सनल नंबर पे अपनी। सब पर्सनल नंबर नहीं है सॉरी, ये हमें बैंक से प्रोवाइड होता है, ये वो नंबर है। तो कोई नंबर तो आपको इसी नंबर पे भेज देता हूँ मैं अपना बायोडाटा, ओके सर, ठीक? देख लो मैडम, श्योर ले लो श्योर बायोडाटा, सर। देख लो मैडम, कोई अड़ोस पड़ोस के दूसरी शादी ना हो रही हो उससे करवा दो। ओके ओके मैडम मेरी कोई श्योर चॉइस नहीं है सर, ओके। मैम, कोई 50 साल की भी चलेगी, तलाकशुदा भी चलेगी, कैसी अच्छा जी, भी चलेगी, बस हाँ बेवा भी चल जाएगी, कोई बात, पाकिस्तानी भी चलेगी, धर्म की कोई कोई जात पात कुछ नहीं है। बताओ आपकी देश दुनिया के किसी कोने की बहू रख लूंगा मैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब मरूँ ना, कुआरा ना मरूँ, मेरे जब प्राण निकले शरीर से कम मेरा नाम लेने वाला तो कोई हो। है सर मैडम कोई बताइए, बात नहीं सर, बत बताऊंगी आपको जरूर। मैडम प्लीज मेरी हेल्प कर सको तो जरूर करना मैडम, मेरा नंबर ओके सर, डिस्ट्रीब्यूट कर सर दो। जरूर अब सर, मैं आप आपको बायोडाटा भेजता हूँ, ओके सर, ठीक है मैडम? थैंक यू मैडम, भगवान थैंक यू आपका सर। भला करे। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो हाँ जी, सर, नितिन सोनी हाँ सर नितिन आपसे सोनी, अभी बात करी थी हाँ जी सर, आप अपना बायोडाटा सेंड कर दो मुझे और फोटो है मैडम, कोई रिश्ता है मेरे लिए? सर, मिल जाएगा जरूर, आप सेंड तो करो। मैं मैडम अभी भेजता हूँ, ओके सर, इसी नंबर पे भेज दूँ बायोडाटा अपना? हाँ जी, इसी नंबर पे अपना बायोडाटा और विद तो फोटो। मैडम मैं अपने वो भी भेजूँ प्रॉपर्टी के पेपर भी, कि कितनी नहीं प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी वॉपर्टी के पेपर नहीं नहीं सर, मैडम पता सिर्फ क्या, खाली फोटो देख करके ना कोई अंडरएस्टिमेट कर देगा, प्रॉपर्टी के पेपर देख के बढ़िया रिश्ता सर मिल जो जाएगा। आपको अच्छा लगे वो भेज दो मैं बस। पता क्या, मेरे पास प्रॉपर्टी है 8-10 करोड़ रुपए की ना, कनॉट प्लेस के आसपास भी पड़ी है, वो सारे पेपर भेज देता हूँ सर भेज तो अच्छा दो, रिश्ता मिल जाएगा। चक्कर ये, बढ़िया दुल्हन मिल जाएगी तो साथ ज्यादा दे देगी। और सर आप भेजो तो। मैडम आप मजाक कर रही हो, मुझको लग रहा है पीछे से आवाज आ रही है नहीं सर, वो मैडम। मेरे एम्प्लॉयज आप मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रही हो मैडम। है। नहीं नहीं सर, वो मेरे एम्प्लॉयज है, वो कह रहे हैं अगर कोई होगी तो नहीं हम मैडम, बता नहीं देंगे, नहीं आप उनसे आप बायोडाटा मंगाओ। मैडम देखो उस कसम से, किसी के देखो किसी भी किसी के साथ बेबस इंसान के साथ ना ऐसे कोई मत करना, उम्मीद दिखा के उसकी उम्मीद तोड़नी नहीं चाहिए। सर आप आप मुझको भेजो उम्मीद तो दिखा के सही, उम्मीद तोड़ दोगे ना, ऊपर वाला बैठा हुआ है। देखो आप सर पीछे मतलब से, फिर मैं रहने दूं? आप देखो भेज मेरे ही को नहीं पीछे रहे से हो आवाज आ रही है, मेरे को चाल, आपकी चाल लग रही है।
कहीं सर मैडम आप कोई कोई टाइम पास गलत कर रहे हो तो बता दो। नहीं मैडम, मैं भेज रहा हूँ, कोई पक्की बात है ना, देखो आपको कसम है सर ऊपर पक्की भगवान बात की। है तभी तो मांग रही हूँ ना सर, वो तो मेरा एम्प्लॉयज है, मैंने उनसे बताया, उन्होंने कहा ठीक है बायोडाटा मंगा लो। पक्का पक्की बात है ना, मेरी शादी करवा दोगे आप? करवा देंगे सर अगर तो आप फोटो तो बात कर भेज दो, एक जाते बार फोटो भेज दो, कुछ तो आज रात तो अच्छी निकल जाएगी मेरी, आज तो खुश हो लूंगा। नहीं सर आप अपनी बायोडाटा भेजो सर। मैडम एक बार फोटो तो भेज दो, जो लड़की जिसको आप भेजोगे वो कैसी, बायोडाटा तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ आपको अभी, लो सर आप करो फिर प्रॉपर्टी हम के करते पेपर भी हैं। दे रहा हूँ, ओके बायोडाटा भी दे रहा ओके हूँ। ओके ओके मैडम प्लीज एक बार तो फोटो भेज दो।